my dear students, today in this video I will explain you the chapter Haivata. This chapter is of class 4 NCERT book Marigold English. तो आइए इस चैप्टर की समरी समझते हैं. चैप्टर का नाम है हाइवता. हाइवता वॉज ए यंग नेटिव अमेरिकन बॉय. हाइवता कौन है? हाइवता एक लड़के का नाम है जो कि एक अमेरिकन लड़का है. ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर. वो किसके साथ रहता है? वो अपनी ग्रैंड मदर मतलब अपनी दादी के साथ रहता है, नोकोमिस. दादी का नाम क्या है? नोकोमिस. इन ए विगवैम. विगवैम होता है हर्ट मतलब एक झोपड़ी. जो अमेरिका में जो झोपड़ियां होती हैं उनको विगवैम बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो लड़का है इसका नाम है हाइवता. ये एक अमेरिकन लड़का है. ये अपनी दादी के साथ जिनका नाम है नोकोमिस विगवैम एक हर्ट में रहता है, एक झोपड़ी में रहता है. नोकोमिस टॉट हाइवता अबाउट दी वंडर्स अराउंड देम. जो नोकोमिस है उसकी दादी है वो उसको उसके आसपास जो सरप्राइजेज हैं, जो वंडर्स हैं उनके बारे में उसको बताती है. शी टोल्ड देम अबाउट स्टार्स. वो स्टार्स के बारे में बताती हैं. स्टार्स मतलब जो आसमान में आपको सितारे दिखते हैं. द ट्रीज, ट्रीज के बारे में, पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बर्ड्स चिड़िया, द एनिमल जानवर एंड मेनी अदर थिंग्स. तो जो उसकी दादी हैं वो उसको इन सब के बारे में बताती हैं. किसके बारे में? स्टार्स, सितारे, ट्रीज एंड इंसेक्ट्स जैसे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, चिड़िया, एनिमल्स, जानवर एंड मेनी अदर थिंग्स. अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं. हाइवता ग्रीव अप टू लव देम ऑल. जो हाइवता है वो बड़ा होता जाता है इन सबको प्यार करते हुए. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम. और वो उनसे जो बर्ड्स थी मतलब जो चिड़िया थी, एनिमल्स थी, उनसे बात कर सकता था और वो भी उनसे बात कर सकते थे. द लिटिल हाइवता लर्न्ड ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज. जो छोटा हाइवता था उसने सारी बर्ड्स की लैंग्वेज सीखी हुई थी. लर्न्ड देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. और उसने उन बर्ड्स के नाम और उनके क्या क्या सीक्रेट्स हैं, क्या क्या उनके राज हैं वो सब जान लिए थे. हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर. वो समर में गर्मियों में अपना नेस्ट मतलब घोंसला कैसे बनाती हैं. वेयर दे हिड देमसेल्फ इन विंटर. वो अपने आप को सर्दियों में कहाँ छुपाती हैं. हिड मतलब छुपाना. वेयर दे हिड देमसेल्फ इन विंटर. टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम. और वो जब भी उनसे मिलता था तो उनसे बात करता था. और कॉल्ड देम हाइवता चिकन. और वो उनको क्या बोलता था कि वो हाइवता के चिकन्स हैं. आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. ऑफ ऑल बीस्ट्स ही लर्न्ड द लैंग्वेज. और वो वहां पर जितने भी बीस्ट थे मतलब शैतान टाइप थे उसने उसकी लैंग्वेज सीख ली थी. ही लर्न्ड द लैंग्वेज. लर्न्ड देयर नेम. और उनके नाम भी उसने याद कर लिए थे. एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. और उनके सीक्रेट्स भी, राज भी उसको पता थे. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस. बीवर्स एक तरह के इंसेक्ट्स ही होते हैं. वो अपना घर, लॉज मतलब घर कैसे बनाते हैं वो उसको उसने पता कर लिया था. वेयर द स्क्वायरल हिड देयर एकॉर्न्स. स्क्वायरल मतलब गिलहरी. एकॉर्न्स एक फ्रूट होता है जो ओक ट्री से मिलता है. तो वेयर द स्क्वायरल मतलब जो गिलहरी है वो अपने जो फ्रूट्स हैं वो कहाँ छुपाती है ये सारी चीज़ें उसको पता रहती थी. हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली. और जो रेनडियर एक एनिमल का नाम है ये, वो इतनी तेजी से कैसे दौड़ता है. वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड. जो रैबिट होता है खरगोश वो इतना डरपोक क्यों होता है. टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम. और वो उनसे हमेशा बात करता था जब भी वो उनसे मिलता था. कॉल्ड देम हाइवताज ब्रदर. और वो उनको क्या बोलता था? हाइवता का भाई बोलता था. This poem is written by H.W. Longfellow. I hope आपको ये poem समझ में आई होगी. इसके कुछ new words भी हैं जो मैंने आपको इस poem में explain कर दी हैं. Wigwam का मतलब होता है एक तरह की hut जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. Like this, ये एक hut है, इसको अमेरिका में wigwam बोलते हैं. ठीक है, next word है beavers. Beavers मतलब होता है एक तरह का insect. Acorn मतलब होता है fruit जो कि हमें ओक ट्री से मिलता है. रेनडियर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं जिसको हाइवता हाथ लगा रहा है, दिस इज रेनडियर. टिमिड मतलब होता है डरपोक. आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वंडरफुल डे. बाय बाय.